सकता है। इस अगेन, फिर से, इस अगेन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने ना आजकल मैं डिप्स वगैरह लगाने शुरू की नहीं है, बहुत अच्छी बात तो है। इसमें ना ये मेरे कंधे में ना ये दर्द शुरू ही हुई है, मगर दबाने से कुछ भी नहीं है। उठाते जाए वापस नीचे, कवर के पीछे लेकर आए। हाँ जी, इधर इधर रखें दोनों हाथ वापस नीचे। बाप मैं तो जो अगर निकलना है मैं उठाएं डॉक्टर साहब, वो इधर उठाएं, दो लगाएं डॉक्टर साहब, वो इधर है डॉक्टर साहब ना। छोड़ तो सर जी, बड़े क्रिकेट के लिए आपने जो आपका जिस्म है ना वो चीखता है। में जाते जाए, जाते जाए वापस पीछे झुके, बैक छोड़ दें, लेफ्ट साइड राइट साइड पे छोड़ दें, सीधा लेके जाओ। आपका जैसे चीख चीख के बताता है इसने, उसने बहुत क्रिकेट के लिए डॉक्टर साहब वो स्ट्रगल किए हमने जो सफर किए हैं ना, दोनों टांगों पर उठाए। उस जमाने में तो इतनी साइज नहीं होती वापस। जी जी जी, वो इतनी साइज नहीं होती। सही है शिवार भाई, यही था कि 10-10 दिन 15-15 दिन घर से बाहर। लेकिन आप लोगों का मार्शल इंटरनेशनल एक्सपोजर भी तो आप लोग आउट ऑफ कंट्री में तो जाते होते ना। जी उधर मैं सुना हूँ मार दुबई जी मैं गया उल्टा लेटना आपने पीछे। सर लेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर। लाल सर को भी आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हम दो बंदे इतना इकट्ठे हो गए, अब इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो आपको पता लगेगा। लाल सर को मैंने कहीं देखा हुआ है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा मैंने कहीं आप शहबाज साहब के बेटे लग रहे ओ भाई। इस दौर में इतनी खामोशी जो है ना, इधर तो मैं आज ही कंसीडर करूंगा, पता लगना चाहिए यार आपका। आप आए हो और चले गए हो कोई फायदा नहीं, आप आए हो और पता लगे यार हमजा आया था। अपने अब्बू के साथ रहा करें आप उस जगह पर, इनसे दुनियादारी सीखें, इनसे ज्यादा अच्छी दुनियादारी आपको कोई नहीं सिखा सकता और मुफ्त में। और अब्बू जो सिखा सकते हैं वो फिर कोई नहीं सिखा सकता। कोई पेन है? नहीं मेरे सांस नहीं कर से पता है। इस अगेन, फिर से, इस अगेन, फिर से। मैं सोच रहा था इस्लामपुरा में भी एक ब्रांच खोलूं। जी जरूर। वहाँ जैसा घर नहीं आया था? जी जी। अपने लोगों को भी सर्व करें। सही है। बहुत गुंजान आवाज इलाका है वो। हाँ जी। एक तरह कमर ले लिया सब लैक 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 जिस तरफ। इस दिन मैं अकेला आपके साथ बैठूंगा ना तो फिर हम बात करेंगे कि आप आजकल खेलते ही नहीं है, तो फिर इस दिन मैं आपको सच बताऊंगा जिसको आपको मानना पड़ेगा। रिलैक्स,
सीधा रिटर्न। शुभाष भी ऐसे प्लेयर है जब भी ये जो बैटिंग भी आते हैं ना अभी भी एक दो दो तीन चार छक्के तो कोई बात ही नहीं है। अभी मैंने इनको खेलते तो नहीं देखता, पता नहीं कहाँ खेलते हैं। हमारे साथ लास्ट टाइम ये अभी तकरीबन कोई तीन चार साल तो हो गए हैं, ये बीच में आ गए बस ये दर्द की तरह छोड़ जाते हैं। हर संडे को हम साथ ही होते हैं। वैसे जो जोहर टाउन में मैंने आपको याद होगा जब मैंने सेशन करवाया था तब मेरे जब कमर की हड्डी मैंने आपको बताया था कि मेरी सी सही हो गई है क्योंकि इस तरह डॉक्टर साहब उभरी हुई थी वो तो जब से वो सीधी तो हो गई है मगर उसके बाद मेरी दर्द नहीं गई। और फिर आपने मुझे ये भी एडवाइस किया था, आपने कहा था कि शुभाष आपको सेशन करवाने में ना आपको पेन होती है तो आप ना करवाया करोगे, मगर अब ये है कि दूसरी दफ़ा ही मैं करवा रहा हूँ, मुझे कोई पेन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। खड़े होना आपने सर की हाल रखें, इसमें आपका बिल्कुल ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हमें खेल लेंगे नहीं, बस आगे टाइट कर लें बैठने। अच्छा मुझे बताएं कि अब जो रूटीन एक्टिविटीज आपकी चल रही है जी उसमें क्या पूरा पूरा दिन एम्पायरिंग करनी है एक्टिविटीज करने कर लेते हैं? हाँ जी मैं कर लेता हूँ। और अब क्या आपकी चल रही है ट्रेनिंग? सर पीछे मैंने कंटिन्यू ना छः दिन पहले तीन रात रहते हैं कि मैंने नाइट फिर वहीं से हम खारियाँ चले गए हैं तो वहाँ पर मैंने तीन दिन किए, वहाँ पर डे का था कंटिन्यू। फिर छठे दिन जाके मुझे इस तरह हुआ था कि कमर में ना थकावट सी हो गई है, यानी कि जिस तरह बंदा थक नहीं जाता ठीक है इस तरह कमर में थकावट हुई है बस छठे दिन जाके। जब रात को पैरिंग की थी ना तीन दिन लगातार तो यानी को उस दिन सुबह कोई चार पाँच बज गए थे, सुबह पाँच बज गए फिर यहाँ वहाँ से खारिया गए और वहाँ पर नौ बजे का वहाँ पर मैच था, नौ बजे फिर हमने पाँच चार तीन घंटे का सफर गए फिर नौ बजे मैच जी फिर नौ बजे मैच फिर पूरा दिन वहाँ पे पूरा दिन बैरिंग की फिर वहाँ पे जाके मुझे ना आखिरी दिन लेकिन ये तो आपने ओवर इस्तेमाल किया है ओवर। हाँ जी ओवर काम हो गया वो ज्यादा, ये तो कोई आम बंदा भी करेगा तो बिल्कुल बिल्कुल जी प्रॉब्लम में जाएगा। मगर पहले डॉक्टर साहब ये था कि मैं स्टिल जो है ना वो मैं 15 से 20 मिनट नहीं ज्यादा खड़ा हो सकता था तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है उससे थोड़ा सा फर्क पड़े मुझे तो उसी से लग रहा है बेहतर उसी से हूँ। और अपने फिट फाट रहना इंशाल्लाह मैं अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो ये कहते हैं मैं बारे में कि जिस टाइम मर्जी आप बुलाओ कर लेंगे इस वे कोई है ना संडे को गए हैं तो मैं इसी नियत से गया था, मैंने कहा इमरान भाई मैंने बारी लेनी है, मैंने कहा एक दो मैच मैं आपको हराऊंगा। पहला मैच हुआ वो फहीम और वो गए थे जो आशा उन्होंने वो यानी सिविटी उन्होंने मैच यानी 188 गोल अकेले कर गए थे। डॉक्टर साहब इसकी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ इसको जो पेन में देखता हूँ मुझे बड़ी। भाई मैं अब आपको क्या कह सकता हूँ कि आज देखिए आज इलाज भी कर दिया है अभी कुछ दिन देखें जी ठीक है मैं भी यहाँ हूँ आप भी यहाँ जी मेरा क्लिनिक सारे क्लिनिक का आपको पता है जी। तो आप भेज दें उनको हृदय से मैं देख लूँगा लेकिन उम्मीद है अब मसला नहीं होगा। हिदायत जो आपको बताई है सोना जागना अपना ठीक कर लें खाना पीना बेहतर कर लें बैठते तो टेक लगा कर बैठा करें और थोड़ा सा जिंदगी में एक्टिविटी लें जी। दूसरा इसको मैं अपना मैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठता हूँ फिलहाल भी अब तो थोड़ी सी हो रही है ना धुंध वगैरह पड़ रही है तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा रहा पर ना इसको मैं साथ लेके जाऊँ इसको वर्कशॉप करवाऊँ अभी के अभी ना करवाऊँ क्योंकि उसको पेन है ना सर जी पेन सिर्फ उसे कमजोरी की वजह से है खाना पीना बेहतर करेगा अभी ये बैठना सही करेगा इसी तरह खत्म हो जाएगी दो तीन दिन में। अच्छा ये जो बैठते हैं ना सारा जोर बैठते हैं मुझे मैं इस तकलीफ से गुजरा हूँ ना कि मुझे पता कि मुझे कितनी तकलीफ थी जब मैं वही मसला ही नहीं है तो मैं क्या खाऊंगा आपको मसला बना दूं वही ना मैं अब उसको देखता हूं ना तो फिर मुझे वो सीन याद आता है तो फिर मैं डर जाता हूं मैं कहता हूं तो ये बच्चा है बिल्कुल तो मसला ना हो बस ये जिम्मेदारी आप लेंगे इसको एक्टिव करना ठीक हो गया।